हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर रजनी ब्यूटी स्किन केयर पर और मैं हूँ रजनी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके बालों की जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे और बेजान हो चुके हैं, कोई भी उनमें चमक नहीं आपके बालों में, तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी होना शुरू हो जाएंगे, गारंटी है एक बार के लगाने से ही। दोस्तों, आज की जो रेमेडी है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इतनी इजी है वो बनाना भी और इसका एप्लीकेशन करना भी, साथ ही साथ आपके बालों पर ये गजब का असर देगी। इसको लगाने से आपके बालों का बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाल हल्के पतले हो चुके हैं या बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो बहुत ही ना जो हेयर फॉल हो रहा है, तो ये रेमेडी बहुत ही जल्द से जल्द असर करेगी आपके बालों में। तेज़ी से आपके बाल लंबे घने मोटे होने लगेंगे इसको लगाना शुरू कर देते हैं तो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही असरदार यूजफुल रेमेडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए एक क्लीन बाउल लेना है और इसमें 2 चम्मच नींबू का रस लेना है। नींबू का रस लगाने से ना रूसी दूर हो जाती है, बाल मोटे घने हो जाते हैं। नींबू का रस न केवल बालों को झड़ने से बचाता है बल्कि कई समस्याओं को भी ये दूर करता है नींबू का रस। नींबू के रस में विटामिन सी बी और फास्फोरस भी होते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब आपको लेना है यहाँ पर एक एग का आपको ना येलो भाग लेना है। अंडे का जो पीला भाग होता है ना वो लेना है, सफ़ेदी वाला भाग नहीं लेना है। अंडे के तो फायदे आप सभी को पता होंगे कि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा पोषण होता है और बालों के लिए ना बहुत ज़्यादा ना प्रोटीन और वसा से भरपूर होता है, जो स्कैल्प होते हैं उसको साफ करता है और उनको पोषित रखने में मदद करता है। अंडे का जो हेयर पैक है ना और इस तरह से जो मिश्रण है, अगर आप बालों में लगाते हैं तो बाल आपके चमकदार बनते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बाजार से ज़्यादा एक्स्ट्रा या कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किचन में ही मौजूद चीज़ों से ही आप इस हेयर पैक को बना सकते हैं। 2 बार के इस्तेमाल करने से आपके बालों में घनापन और चमक और सिल्कीपन नजर आएगा। अब लेना है इसमें 1 चम्मच नारियल का या सरसों का तेल, दोनों तेलों में से जो आपके पास है वो आपको तेल यहाँ पर ले लेना है 1 चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से फेंट लेना है और ये कि ना जेल फॉर्म में लगने लगेगा। तो आपकी ये रेमेडी है ना रेडी हो चुकी है, ये एक जेल फॉर्म में लगने लगा है, ये आपकी ये जो हेयर रेमेडी है, जो हेयर पैक है, बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। बस आपको इसे अपने साफ सुथरे बालों पर लगाना है, अपने बालों को पूरे स्कैल्प से लेकर जड़ों की लंबाई तक ना आपको अच्छे से लगा लेना है। ये एक ना कमाल की रेमेडी है, इसको लगाने से आपको ना एक ही बार में फर्क दिखेगा। आपको इसे 15 दिन में एक बार लगाना है। अगर आप ये ना एक पूरे अंडे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो है ना अंडे का येलो भाग और वाइट पार्ट है ना वो अगर आप ना पूरा मिक्स करते हैं तो आप इसे सिर्फ महीने में एक बार लगाएं। तो इसको ना 8 घंटे तक लगा कर रखना है बालों में। फिर आपको शैम्पू कर लेना है, शैम्पू से बालों को ना धो लेना है, यानी कि हेयर वॉश कर लेना है। बालों को साफ करने के बाद बाल देख सकते हैं एक ही बार में ही बालों में कितना चमक सिल्कीपन आ गया है। तो आप इस हेयर पैक को ना लगाएं, तो आप इस हेयर पैक को जरूर ट्राई करें, इसको जरूर इस्तेमाल करें, फिर आप देखेंगे आपके बालों में फर्स्ट बार की यूज करने से काफ़ी फर्क नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में जो घंटी है ना उसको बटन को ना जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस तरह से नेचुरल हेयर रेमेडी का यूज करना है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।